कुछ समय पहले की बात है, साहसिक काम में रुचि रखने वाला एक नौजवान था, नाम था जोगिंदर। वो सारी कलाओं और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था। उसने अपनी कलाओं और प्रतिभा का प्रदर्शन राजा के सामने करके राज दरबार में कोई पद पाने की सोची। इस इरादे के साथ जोगिंदर राजधानी शहर के लिए निकला। जब वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, उसने देखा कि चार डाकू एक लड़की का अपहरण करके उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो बड़ी बहादुरी से उन डाकुओं का उसने सामना किया और उस लड़की को बचाया। उस लड़की का नाम था वैजयंती। वो राजधानी नगर में रहने वाली एक प्रसिद्ध व्यापारी दयानिधि की इकलौती बेटी थी। घर पहुंचने के बाद वैजयंती ने अपने पिता से जोगिंदर की बहादुरी के किस्से कह सुनाए। दयानिधि बहुत खुश हुआ और बोला, अरे बहादुर लड़के, तुम जैसे जाबाज कम ही मिलते हैं। मैं तुम्हारे साहस और हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरी बेटी को उन गुंडों से बचाकर सुरक्षित मेरे पास पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मांगो क्या मांगते हो। श्रीमान, आपका धन्यवाद, लेकिन मैंने आपकी बेटी को कुछ पाने के लिए नहीं बचाया। खतरे में पड़ी लड़की की रक्षा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। बहुत अच्छे नौजवान, क्या मैं तुम्हारी किसी बात पर मदद कर सकता हूँ? तुम बिना किसी हिचक के मुझसे कहो। श्रीमान, मैं अपनी कलाओं और प्रतिभाओं का प्रदर्शन राजा के सामने करना चाहता हूँ। अगर हो सके तो मुझे महाराज से मिलवा दीजिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। जब वे दोनों इस तरह बात कर रहे थे, वैजयंती ने अपने पिता को अंदर बुलाया और धीरे से बोली, पिताजी, वो मुझे बहुत पसंद है। लगता है मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। हमारा विवाह कर दीजिए पिताजी। दयानिधि ने ये बात जोगिंदर से कही। श्रीमान, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपकी बेटी से विवाह करने से पहले मुझे राजा से मिलना है। कृपया मुझे राजा से मिलने का एक मौका दीजिए, फिर मैं अवश्य आपकी बेटी से विवाह करूंगा। दयानिधि इसके लिए तैयार हो गया और जोगिंदर को लेकर राजा के महल गया और राजा से एक मुलाकात के लिए मदद भी की। फिर राजा ने जोगिंदर से कहा, मुझे दयानिधि ने सब कुछ बताया। तुम उनके बेटे से विवाह करके आराम का जीवन जी सकते हो ना? मुझसे मिलने की इच्छा क्यों कर की? महाराज, मैं राजधानी शहर दिल में ये अरमान लेकर आया था कि आपको अपनी कलाएं दिखाऊंगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए आपसे मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए मैंने श्री दयानिधि से सहायता ली। मैं तुम्हारी कलाओं और प्रतिभाओं का प्रदर्शन इसी समय देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए राजा ने सारे इंतजाम करवाए। राजा के दरबार में कोई भी जोगिंदर की तलवारबाजी और मल्ल युद्ध के आगे ठहर नहीं सका। फिर दयानिधि, जो जोगिंदर की जीत से बहुत खुश था, उसके पास मुस्कुराता हुआ गया। तुम महाराज से मिल लिए और उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन भी कर लिया, अब तुम मेरी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो ना? फिर राजा ने जोगिंदर से हैरानी के साथ पूछा, लेकिन एक बात बताओ, आज नहीं तो कल तुम अपनी कलाओं का प्रदर्शन मेरे सामने कर ही लेते, लेकिन तुमने विवाह से पहले ही ये करने का निर्णय क्यों लिया? महाराज, श्रीमान दयानिधि एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं। अगर मैं इनकी बेटी से विवाह करता हूँ तो मुझे अपनी युद्ध कलाओं को भूलकर इनसे व्यवसायिक कौशल सीखने होंगे। आपके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से हो सकता है कि आप मेरी शक्ति और क्षमता का कुछ उपयोग करना चाहें। अगर आपको मेरी प्रतिभा में कोई अनोखापन ना लगे, तब फिर मैं अपनी इस कुशलता को भूलकर धंधा करने में निपुण हो सकता हूँ। यही सोचकर मैंने ऐसे किया। तब राजा को जोगिंदर के लक्ष्य का पता लगा और वो बोले, दयानिधि, जोगिंदर तुम्हारा दामाद जरूर बनेगा, लेकिन वो मेरे दरबार में सेनापति के पद पर काम करेगा। हमारे राज्य को ऐसे जाबाज की जरूरत है। ये सुनकर दयानिधि बहुत प्रसन्न हुआ। फिर जोगिंदर ने दयानिधि की बेटी वैजयंती से विवाह कर लिया। बाद में जोगिंदर उस राज्य में एक महान योद्धा कहलाया। एक समय की बात है, चक्रपुर गांव में गंगलू नाम का एक बड़ा नामी चोर हुआ करता था। लोग कहते थे कि आसपास के इलाके में गंगलू से बड़ा कोई चोर नहीं है। लोग बड़ी सावधानियां बरतते थे, लेकिन फिर भी गंगलू उनके घरों को लूट लिया करता था। उस राज्य के राजा ने भी उसे पकड़ने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो किसी न किसी तरह बच निकला। एक दिन गंगलू का इकलौता बेटा रंगलू अपने पिता के पास गया और पूछा, बाबा, तुम बूढ़े हो रहे हो, फिर भी तुम्हारी जोड़ का कोई दूसरा चोर नहीं। क्या तुम मुझे अपने तरीके सिखा सकते हो ताकि मैं तुम्हारी तरह ही नाम कमा सकूं? रंगलू पुत्र, ये कला सबको खुद सीखनी पड़ती है, इसे तुम्हें कोई और नहीं सिखा सकता। आज रात तुम मेरे साथ चलना और ध्यान से देखना कि मैं किस तरह चोरी करता हूँ।
अगर तुम में पर्याप्त कौशल और समझदारी हुई तो तुम चोरी के तरीके बड़ी आसानी से सीख जाओगे। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, सुनो, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी ये कला किसी को नहीं सिखा सकता। तुम्हें खुद अपना उस्ताद बनना है और अपना ही शागिर्द भी। ठीक है बाबा, आपने जो कहा मैं समझ गया। मैं डकैती डालना खुद सीखूंगा, आज रात चलूंगा। फिर उस दिन रात के वक्त गंगलू और उसका बेटा रंगलू दोनों जमींदार के घर चोरी करने के लिए गए। ये उसकी पहली डकैती थी। रंगलू अंदर से जरा डरा हुआ था, लेकिन गंगलू, जिसे चोरी का बड़ा अनुभव था, उसने घर के पीछे की दीवार में बिना जरा भी आवाज किए एक सेंध बना ली। रंगलू वहां खड़े होकर अपने बाबा को ये करते देख रहा था। फिर वो उस सेंध के जरिए घर के अंदर घुस गए। रंगलू भी अपने बाबा के पीछे पीछे गया, लेकिन वो जरा घबराया हुआ था। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तब क्या होगा? लेकिन गंगलू हर एक कमरे में बिना किसी शोर के जा रहा था। हर जगह अंधेरा था, लेकिन गंगलू वहां इस तरह घूम रहा था जैसे कि वो उसके लिए जानी पहचानी जगह हो। और उस घर के बीच के कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नकली चाबी से एक बड़ी सी अलमारी खोल ली और अपने बेटे से उसके अंदर कुछ कीमती देखने के लिए कहा। जैसे ही रंगलू अलमारी में घुसा, गंगलू ने उसका दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा दिया। चोर, चोर! इस तरह चिल्लाते हुए वो घर से बाहर उस सेंध के जरिए भाग गया। अचानक हुई उस घटना से रंगलू सदमे में आ गया। गंगलू चिल्लाया था, इसे घर के सारे सदस्य जाग गए। कहाँ है चोर, कहाँ? और सब जगह तलाशने लगे। मेरे बाबा ने ऐसा क्यों किया? वो मुझे इस घर में लेकर आए और मुझे इस अलमारी के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने मुझे यहाँ क्यों फंसा दिया? ऊपर से बाहर भागने से पहले जोर जोर से चिल्लाए और सबको उठा दिया। ये धोखा है, नाइंसाफी है। इस तरह अलमारी के अंदर बंद रंगलू बहुत दुखी हो रहा था। एक घंटे बाद किसी तरह वहां से बच बचा कर वो घर पहुंचा। उस समय गंगलू घर में आराम से सो रहा था। तब रंगलू ने अपने पिता को जगाया और उनसे पूछा, ये क्या है बाबा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गंगलू जो नींद में था बोला, तो तुम वापस घर पहुंच गए ना? ठीक है, तो तुमने डकैती सीख ली। तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं, जाओ और शांति से सो जाओ। बाबा, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या हुआ था, सुनिए। रंगलू पुत्र, अगर तुम बताना चाहते हो तो बताओ, मगर मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता। तुम घर सुरक्षित आ गए, ये साबित करने के लिए काफी है कि तुम डकैती सीख गए हो। कल के बाद से तुम खुद चोरी कर सकते हो। तुम में समझदारी, कुशलता और काबिलियत है जो एक चोर में होनी चाहिए। सुनिए तो बाबा, आपने मुझे अलमारी के अंदर बंद कर दिया और भाग गए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस खतरनाक स्थिति से कैसे बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और उस अलमारी के अंदर चुपचाप खड़ा रहा। जब उस घर के सब सदस्य इधर उधर तलाश कर रहे थे, उनकी काम वाली एक मोमबत्ती लेकर जिस कमरे में मैं था वहां खोजने आ गई। उसी पल मुझे एक गजब ख्याल आया। उस काम वाली को लगा कि उस अलमारी के अंदर बिल्ली है और उसने वो अलमारी खोल दी। फौरन मैंने बाहर आकर उसके हाथ की मोमबत्ती बुझा दी। फिर मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया और आपने जो सेंध लगाई थी उससे घर के बाहर आ गया। लेकिन उस घर के सभी लोग मेरा पीछा करने लगे। रास्ते में मुझे एक पुराना कुआं दिखा जिसके पीछे एक बड़ी सी चट्टान थी। बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने उस चट्टान को उठाकर कुएं के अंदर फेंक दिया और फिर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग जो मेरा पीछा कर रहे थे, उन्हें लगा कि मैं उस कुएं में गिर गया हूँ और वहां से चले गए। इस तरह मैं उनसे बचकर घर वापस आ गया। रंगलू पुत्र, अब तो तुम्हारे लिए सीखने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। रंगलू हंसकर बोला, आपका सिखाया ये एक सबक मेरे लिए काफी है, और रह क्या गया? फिर दोनों बाप बेटा हंसे और सो गए। एक समय की बात है, धर्मपुर गांव में लक्ष्मीपति नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। व्यापार में ही नहीं, बाकी बातों में भी उसका अनुभव बहुत ज्यादा था। इस वजह से सारे ग्रामीण लक्ष्मीपति से सलाह लेते थे। उसका एक ही बेटा था मयंक, जो लक्ष्मीपति की तरह बुद्धिमान नहीं था। कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसी तरह मयंक भी अपने पिता की एक नहीं सुनता था। एक दिन लक्ष्मीपति
मयंक, अब तुम बालिग हो गए हो, लेकिन तुम्हें व्यापार का कोई अनुभव नहीं। जरा अपने व्यापार पर ध्यान दो। मुझे सब आता है पिताजी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे अपने खुद के विचार हैं। कुछ समय के बाद लक्ष्मीपति बीमार पड़ गया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया। देखो मयंक, मैं तुम्हें व्यापार बढ़ाने के लिए एक जरूरी सलाह देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? पिताजी बताइए क्या सलाह है, मैं उसी पर चलूंगा। सामान को बड़ी कीमत पर खरीदो, लेकिन बेचो कम कीमत पर। अगर ऐसा करोगे तो व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा। कुछ समय बाद लक्ष्मीपति की मृत्यु हो गई। मयंक को लगा कि उसके पिता ने उसे एक फालतू सलाह दी। एक मूर्ख भी जानता होगा, अगर हम सामान को ज्यादा कीमत पर खरीदकर कम कीमत पर बेचेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था, वो सामान ज्यादा कीमत पर खरीदकर उसे कम कीमत पर बेचने लगा। इस वजह से मयंक को कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक ही साल के अंदर उसने अपनी सारी जायदाद और सारा पैसा खो दिया। एक दिन मयंक अपने पिता के कमरे में गया और उसकी लोहे की पेटी खोली। पेटी में पुराने पन्ने देखते हुए मयंक को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, लक्ष्मी घर के बीच में खोदोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। मयंक ने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो विद्वानों के पास गया और उनसे पूछा, मेरे पिता ने लिखा लक्ष्मी निवास के बीच में खोदने से मुझे लक्ष्मी खजाना मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उन विद्वानों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और एक दूसरे से बात करने लगे। ये अपनी जमीन जायदाद खो चुका है, शायद पागल हो गया है। सबको पता है कि ये पागल है जिसने ज्यादा कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें कम कीमत पर बेचा, तो अब हम इसे क्या बता सकते हैं? फिर उन्होंने मयंक से कहा, हमें नहीं पता इसका मतलब। ये सुनकर मयंक निराश होकर वहां से चला गया। फिर एक दिन उसके पिता के दोस्त विश्वनाथ, जो एक विद्वान थे, मयंक के पास आए। मुझे लक्ष्मीपति के गुजर जाने का पता चला, बहुत दुख हुआ। फिर उन्हें जमीन जायदाद खो जाने का पता चला। मयंक, तुम्हारे पिता एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने व्यापार से बहुत पैसा कमाया, फिर तुमने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खो दिया? काका, मेरे पिता ने मृत्यु से पहले मुझे एक फालतू सलाह पकड़ाई, उसी वजह से मैं गरीब हो गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या सलाह दी थी? उन्होंने मुझसे कहा था कि सामान खरीदना ज्यादा कीमत पर, लेकिन बेचना कम कीमत पर। ऐसा करने की वजह से मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अरे मूर्ख, तुम्हारे पिता की सलाह फालतू नहीं थी, तुमने उसे ठीक से नहीं समझा, ये गलत हुआ। क्या आप मुझे उस सलाह का सही मतलब बताएंगे? जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो उसे ज्यादा पैसा खर्च करके भी खरीद लो। इसी तरह लोगों को चीजें बेचते वक्त बाकी व्यापारियों से कम पैसे पर बेचो, उसका ये मतलब था। तुमने उनकी सलाह को ठीक से नहीं समझा। काका, अब मेरी बात समझ में आ गई। मेरे पिता ने एक पत्र भी लिखा है, लक्ष्मी निवास के बीच में खोदने से मुझे लक्ष्मी का खजाना मिलेगा, आपको मतलब पता हो तो बताइए। क्या तुम्हारे घर में गायें हैं? मेरे पास थी, लेकिन मैंने सबको बेच दिया। क्या तुम मुझे उनके रहने की जगह दिखाओगे? तुरंत मयंक उनको गौशाला ले गया। अगर तुम इस जगह के बीच में खोदोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा, गाय को लक्ष्मी भी कहते हैं। तुम्हारे पिता ने गुप्त संदेश दिया, अगर तुम यहाँ खोदो तुम्हें धन प्राप्त होगा। मयंक ने उस जगह पर खोदना शुरू किया। वहाँ उसे एक जोड़े खजाने से भरे घड़े मिले। मयंक ने कुछ सोना विश्वनाथ को पार में देकर भेज दिया। फिर उसने अपना व्यापार नए तरीके से शुरू किया और खूब सारा पैसा कमाया। इस तरह मयंक को आखिर में पता चला, सलाह सिर्फ सुनने भर से नहीं, ठीक से समझने और फिर उस पर अमल करने से बात बनती है, तभी कोई सलाह उपयोगी हो सकती है।